मटर राजकुमारी और मटर चोर दानव। एक बार की बात है, रहस्यमय गांव वरदांतिस में मटर नाम की एक राजकुमारी रहती थी। अन्य राजकुमारियों से अलग मटर का नाम उसके नाजुक स्वभाव के कारण नहीं रखा गया था, बल्कि सभी देशों में सबसे आकर्षक मटर उगाने की उसकी अनोखी क्षमता के कारण रखा गया था। ये कोई साधारण मटर नहीं थे, वे एक अलौकिक प्रकाश से चमकते थे और किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति रखते थे। वरदांतिस का गांव एक हरे भरे घाटी में छिपा हुआ था, जो ऊंचे ऊंचे पन्ना के पेड़ों से घिरा हुआ था, जो हवा चलने पर रहस्य बताते थे। ग्रामीण दयालु लोग थे, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते थे, और उनकी खुशी राजकुमारी मटर के जादुई मटर द्वारा सुरक्षित थी। हालांकि शांति तब भंग हुई जब पॉड्रिक नामक मटर चोर दानव ने गांव की खोज की। पॉड्रिक नर्क का एक शरारती प्राणी था, जिसने जादुई मटर की कहानियां सुनी थी और अपनी स्वार्थी जरूरतों के लिए उन्हें चाहता था। वह एक रूप बदलने वाला था, जो अक्सर एक कौवे का रूप धारण करता था, और वह लालची आंखों से गांव को देखता था। एक चांदनी रात में पॉड्रिक धुएं के गुबार में तब्दील हो गया और शाही बगीचों में घुस गया। उसने मटर चुरा ली और अंधेरे का एक निशान छोड़कर रात में भाग गया। गांव के लोगों ने जागकर पाया कि उनके आनंद और उपचार का स्रोत चला गया है, और निराशा ने वेरडेंटिस को एक भारी लबादे की तरह जकड़ लिया। राजकुमारी मटर अपने जादुई मटर को वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित एक खोज पर निकल पड़ी। उसके साथ एक बहादुर शूरवीर सर लेगुमिन और एक बुद्धिमान बूढ़ा जादूगर मास्टर चिक्पी था। साथ में वे अज्ञात में चले गए, चुनौतियों और सभी प्रकार के जीवों का सामना किया। उन्होंने रिफ्लेक्शन की नदी को पार किया, जहाँ पानी में एक व्यक्ति का असली रूप प्रकट होता है। वे व्हिस्परिंग वुड्स से गुजरे, जहाँ पेड़ उन्हें पहेलियों के साथ मार्गदर्शन करते थे। अंत में वे नेदरवर्ल्ड पहुँचे, जो छाया और भयानक सन्नाटे का स्थान था। नेदरवर्ल्ड के दिल में उनका सामना पॉड्रिक से हुआ। राजकुमारी मटर की पवित्रता और दृढ़ संकल्प के साथ पॉड्रिक की चालाकी और छल के खिलाफ बुद्धि और इच्छा शक्ति की लड़ाई शुरू हुई। अंत में यह एकता और दोस्ती की शक्ति थी जिसने जीत हासिल की। पॉड्रिक को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने मटर लौटा दी और माफी मांगी। राजकुमारी मटर, जिसका दिल उसके बगीचों की तरह ही उदार था, ने पॉड्रिक को माफ कर दिया और उसे वरदांतिस में रहने का प्रस्ताव दिया। दानव उस दयालुता से प्रभावित हुआ जिसे उसने कभी नहीं जाना था। उसने स्वीकार किया और गांव की रक्षा करने की कसम खाई। जादुई मटर एक बार फिर लगाए गए और वरदांतिस फला फूला। गांव वालों ने एक भव्य दावत के साथ उनकी वापसी का जश्न मनाया, और राजकुमारी मटर को उन सभी में सबसे बहादुर के रूप में सम्मानित किया गया। और इस तरह मटर राजकुमारी और मटर चोर दानव की कहानी मोचन की कहानी बन गई, जिसने पीढ़ियों को सिखाया कि सबसे अंधेरे दिल भी प्रकाश पा सकते हैं। और भी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें सैदी कॉमिक्स को और बैल की आइकॉन को दबाओ, ताकि तमाम कहानी तक सबसे पहले आप पहुँच सको।